बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात ने सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियो और तस्वीर अभी तक देख ली होंगी कि जिनमें आपने देखा होगा कि अरब ममालिक से पाकिस्तानियों को, गैर मुल्कियों को निकाला जा रहा है। ख़ासकर सऊदी अरब में तो भाई ये मशहूर हो गई थी 20 अप्रैल। जी, 20 अप्रैल की डेट मशहूर की गई थी कि इसके बाद सऊदी अरब से गैर मुल्कियों को, पाकिस्तानियों को निकाल दिया जाएगा, इनकी छुट्टी कर दी जाएगी। तो अभी तो 20 अप्रैल भाई गुजर गई है। इसके मुतल्लिक हमने पहले ही एक दो वीडियो शेयर कर दी थी कि ये एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। 20 अप्रैल अभी तो गुजर गई है, तो किसी भी किस्म के, किसी गैर कानूनी तौर तरीके से किसी भी गैर मुल्की को नहीं निकाला गया है अभी तक। हाँ, इधर से पाकिस्तानी बिल्कुल भेजे गए हैं और वो उमरा जायरीन ही थे। तो अभी बात करेंगे भाई दुबई से। मैं आपके साथ अभी अपनी स्क्रीन पर आप देख रखे होंगे, मोर देन 1500 पाकिस्तानी एक्सपैट विल लीव द एमिरेट्स टुडे, सैड यूएई एम्बेसडर हमाद अल जाबी। जी मेरे भाई, हमाद अल जाबी ने ये आज ऐलान किया है कि 1500 पाकिस्तानियों को आज डिपोर्ट किया गया है दुबई से पाकिस्तान, उनको छोड़ा गया है एमरेट्स फ्लाइट के थ्रू। और इधर आप देख रखे होंगे, दूसरी न्यूज़ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि PIA एक्सपेक्ट डिपार्टिंग फ्रॉम दुबई ऑन ट्यूसडे ऑन लाहौर एंड कराची ऑन 4 स्पेशल ऑफिशियल PIA फ्लाइट इंक्लूडिंग। बाई PIA की 4 स्पेशल फ्लाइटें आज 1000 पाकिस्तानियों को निकाल कर लाई हैं। एमरेट्स की फ़्लाइटें भी 1500 अफराद को छोड़कर आई हैं और अभी PIA की फ़्लाइट 4 फ्लाइट 1000 बंदे को दुबई से निकाल कर लाई है। तो इधर आप देख रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब का भी आज बयान आया है, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। विल ब्रिंग बैक 500, वो लिखा हुआ सारा इंग्लिश में, मैं आपको उर्दू में बताऊँगा कि 5000 पाकिस्तानियों को हर हफ्ते निकाला जाएगा दुबई से। जी मेरे भाई, 5000 पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि हम 5000 पाकिस्तानी दुबई से हर हफ्ते निकालेंगे और वो PIA एमरेट्स के थ्रू ही आएंगे पाकिस्तान में। तो ये एक वीडियो आज कुछ पाकिस्तानी हजरात जो दुबई में खज्जल ख्वार हो रहे हैं, मैं यही बोलूँगा इधर लफ्ज़, खज्जल ख्वार हो रहे हैं दुबई में, उन लोगों ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली है। मैं आपके साथ उसकी तस्वीर शेयर कर रहा हूँ, आप देख लें। इसमें औरतें भी हैं पाकिस्तानी, इनके पास PIA की बाकायदा टिकटें हैं और ये बेचारे रो रहे हैं इस गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, कि हमारी हेल्प करें, हमारे पास तो PIA की टिकटें हैं और हमने 2000 धर्म की टिकट ली हुई है, तो अभी हमको लेकर नहीं जा रहे, हम इधर ही खज्जल ख्वार हो रहे हैं। तो अभी ये साहब औरतों के साथ लेकर एक एहतजाज की सूरत में निकले हैं और ये यही बोल रहे हैं कि अभी हम पुलिस स्टेशन शोताखाना जाएंगे, उधर क्लेम वगैरह करेंगे कि हमको, हमारे पास टिकटें भी हैं और हमको लेकर नहीं जा रहे ये अफराद। तो अभी देखेंगे इसके मुतल्लिक क्या न्यूज़ आती है। तो जैसे ही कुछ और ताज़ा अपडेट हमारे साथ शेयर होंगी, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। यहाँ ये बात भाई मैं आपके साथ फिर बताता चलूँ कि दुबई से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, पाकिस्तान भेजा जा रहा है उनकी मर्ज़ी से। सऊदी अरब से ऐसी कोई किसी किस्म की न्यूज़ अभी तक नहीं आई है कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के लिए भेजा जा रहा है, चाहे वो छुट्टी वाले हैं या खरूज वाले हैं। ज़बरदस्ती वाली तो बात ही झूठ है भाई अभी तक।